बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 27 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। आज आपसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, वह है ईरान, अमेरिका और जर्मनी, चाइना, रूस, ये सब इसराइल क्या सोच रहे हैं ईरान के बारे में ख़ास तौर पे, और ईरान और अमेरिका क्या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ईरान ने एक बहुत बड़ी सपोर्ट ली है अमेरिका से और अमेरिका ने भी उसकी इजाज़त दे दी और पाबंदियां उठा ली गई और उसे इस मसले के लिए और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जबकि इसराइल जो है वो थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया है उसने। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि जो बाइडन इंतज़ामिया, वक्त करीब आ रहा है जनाब, 20 जनवरी को नई अमरीकी हुकूमत कायम हो जाएगी और जो बाइडन प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। अब कोशिश ये हो रही है जनाब ईरान को जौहरी कुव्वत बनने से रोका जाए और वो जो जौहरी हथियार बनाना चाह रहा है उससे रोका जाए। उसका फ़ायदा ईरान ने कैसे उठाया? वो फ़ायदा ऐसे उठाया कि एक माहदा हुआ था 2015 में ईरान के साथ, और ये तारीख़ी माहदा इसको कहते हैं 2015 में, और ये जौहरी अदम फैलाव का माहदा था जिसमें शामिल तमाम बड़ी कुव्वतों ने, आलमी ताकतों ने ईरान पे के साथ ये माहदा किया था कि जनाब इसकी ख़िलाफ़ वर्जी ना हुई, और ईरान ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो जौहरी हथियारों की तरफ नहीं जाएगा और एक ख़ास हद तक जो यूरेनियम मफजूद करेगा जो एक सिविल इस्तेमाल के लिए दरकार है और उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हुआ ये कि 2015 का ये जो माहदा है वो ख़त्म हो गया 2018 में, अमेरिका ने एक तरफ़ा तौर पे उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, और ईरान के साथ जो 2015 में ये किया जाने वाला तारीख़ी जौहरी माहदे में शामिल जो कुव्वतें हैं जनाब, उन्होंने अब वियना में बुध के रोज़ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान तहरान से फिर अपील की है कि वो इस माहदे की ख़िलाफ़ वर्जियाँ रोक दे और इसकी शर्तों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। और ये ख़िलाफ़ वर्जियाँ कैसे शुरू हुई? ये ख़िलाफ़ वर्जियाँ शुरू हुई जनाब 2018 में, जब अमेरिका यकतरफा तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और वो इस माहदे से अलग हो गया। लेकिन जो दीगर फरीकैन थे, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चीन, रूस, वो जो हैं वो एक साइड पे हो गए और वो ईरान के साथ खड़े रहे और उन्होंने इस माहदे को नहीं तोड़ा। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इस दौरान बहुत सारे आपको पता है कि डेवलपमेंट्स हुई, और वो डेवलपमेंट्स ये हुई कि कासिम सुलेमानी, जनरल सुलेमानी जो हैं उनको मार दिया गया इराक में और अमेरिका की तरफ से। उसके बाद फिर ईरान में जो उसके जौहरी प्रोग्राम में, जो जौहरी प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे ये काम हो रहा था और वहाँ पे भी हमले किए गए, और फिर आखिर में जो फखरी ज़ादा हैं, जो उनके बानी साइंसदान थे, उनको भी मार दिया गया, और उसके बाद से ये ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। और अब जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ईरान जो है वो अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है, न सिर्फ प्रोग्राम जारी रखे हुए बल्कि जो माहदा 2015 में हुआ था उसको भी उसने तोड़ दिया है, और तोड़ के अब उसमें इतना यूरेनियम अफसूद कर लिया है जो कि ख़तरनाक हद क्रॉस कर चुका है, जो कि मिनिमम तय था कि इससे ज़्यादा यूरेनियम अफसूद नहीं किया जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा जो है ईरान ने ये काम कर लिया। और जो फखरी ज़्यादा को भी मारा गया उसमें भी यही इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही इसराइल की खुफिया एजेंसी ने यह काम किया, और इसमें अमेरिका भी मुबैना तौर पे कहते हैं जी शामिल था, और उन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे यह सब कुछ किया गया था, क्योंकि उससे पहले ईरान के इन जौहरी प्रोग्राम के बारे में ईरान के ही साइंसदान जो हैं ज़रा निचले लेवल के, वो कल्टिवेट हो चुके थे और वह जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए और अमरीका के लिए, और मुसद्दका इत्तलात के बाद ये सब कुछ किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि ईरान ने अपना प्रोग्राम मुख्तलिफ सतहों पर जारी रखा हुआ है, कुछ सैटेलाइट्स के ज़रिए भी कुछ इमेजेस लिए गए हैं, और उन इमेजेस से भी ज़ाहिर होता है कि ईरान की जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं
जिससे जाहिर होता है कि ईरान ये काम कर रहा है। अब ये जो कुव्वतें हैं, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चीन, रूस, ये उस मुआहदे के मुताबिक 2015 के मुआहदे को वापस बहाल करवाना चाहती हैं और अमेरिका को उसमें शामिल करना चाहती हैं और ईरान को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, और उस मुआहदे को बहाल हो जाए तो वो कहते हैं जंग व जदल से बचा जा सकता है, वरना उसी बुनियाद पे ईरान पे बार बार हमले होते रहेंगे। इस दौरान एक और ईरान को रिलीफ मिला, और वो ये रिलीफ मिला था कि जनाब जो पाबंदियाँ लगी हुई थी अक्टूबर में, इस साल अक्टूबर में, वो ख़त्म हो गई हैं और अमेरिका दोबारा पाबंदियाँ लगवाना चाह रहा था, वो पाबंदियाँ जो हैं वो नहीं लग सकी थी क्योंकि चाइना और रूस ने इसका सपोर्ट नहीं किया, बरतानिया ने सपोर्ट नहीं किया, इवन किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ एक मुल्क था और उसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो एक वोट मिला था 15 ममालिक में से, तो लिहाजा वो भी। अब जनाब तीन जो यूरोपी ताकतें हैं उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन में इंतज़ामिया की तब्दीली के साथ अमेरिका की सोच थोड़ी सी तब्दील होगी और जो बाइडन इंतज़ामिया के ज़रिए इस माहदे को बहाल भी करवाया जा सकता है और अमेरिका को इसमें लाया भी जा सकता है। तो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना जनाब ये एक वाहिद वजह है इस माहदे को बहाल करने की, और जबकि ईरान जो है वो मुसलसल ये कहता है कि उसने ये हथियार नहीं बनाए, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ऐसी हैं कि जनाब हथियार बनाए जा रहे हैं और मामला ख़तरनाक होते जा रहे हैं, और इसीलिए सऊदी अरब की तरफ से भी और दीगर ममालिक की तरफ से भी ये पूरी कोशिश की गई थी और इसराइल की तरफ से भी कि जनाब ईरान के पे बाकायदा तौर पे हमला किया जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके लिए इजलास भी बुलवाया और इसके लिए हम मुशावरत भी की, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, पेंटागन ने ऐसा करने से रोका। तो जबकि जो बाइडन हैं वो ये कह चुके हैं मुसलसल, और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी और उसके बाद भी वो ये कह चुके हैं कि अमेरिका इस जौहरी माहदे में वापस आ सकता है क्योंकि अमेरिका ने इस पे दस्तखत किए हुए हैं। और ये बात बता दूं कि ये माहदा हुआ भी ओबामा के दौर में था, जब उस वक्त जो बाइडन थे वो नायब सदर थे ओबामा के साथ अमरीका के। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन एक और चीज़ भी आई है। इसराइल ने जनाब ईरान के जौहरी माहदे में तरमीम की जो तजवीज़ थी जर्मन ने दी, उसको कहा कि जनाब इसकी हम भी हमायत करते हैं। अब वो तजवीज़ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। वो तजवीज़ ये है कि ये जर्मन में इसराइली सफ़ीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जर्मन ने कहा है ना कि 2015 के माहदे को अपडेट किया जाए, तो अपडेट करने का मतलब है कि जनाब इसमें कुछ और कड़ी शरायत डाली जाए, और वो कड़ी शरायत ये हैं कि 2015 का तो माहदा सिर्फ ये था कि जनाब जौहरी हथियार नहीं बनाए जाएंगे और जौहरी हथियारों से बाज रखा जाएगा और जौहरी प्रोग्राम इनका बंद करवाना था फॉर फौजी यूज़ के लिए, लेकिन 2018 में मैंने आपको बताया निकल गया अमरीका, अब दोबारा वापस आना चाह रहे हैं, बाकी तमाम ममालिक हमायत कर रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी ने एक शोशा छोड़ा और उसमें ये फरमाते हैं कि जनाब इसमें जो मिज़ाइल साजी है ईरान की उसको भी रोका जाए, और उसमें जर्मन में जो इसराइली सफ़ीर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जर्मन के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने जो बात की है कि इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल कर ली जाएँ, मिज़ाइल साजी ईरान का प्रोग्राम वो भी शामिल किया जाए ताकि ईरान को उस ख़तरनाक हथियार से भी रोका जाए, तो इसमें आके मामलात गड़बड़ हो गए हैं और इस पे ईरान जो है वो डट गया है। और ये जो जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि जनाब जो ममालिक शामिल थे जौहरी माहदे में, चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी, ये शाम, लबनान, यमन और इराक जैसे ममालिक में जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने में ईरान मुलव्वस है, अब वो चाहते हैं कि ये जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, एक तो मिसाइल साइज का प्रोग्राम है, एक है प्रॉक्सीज जो ईरान ने शुरू की हुई हैं, वो भी अब जो नया माहदा
तरमीम शुदा माहिदा या अपडेट किया जाए उस माहिदे को जो हर 15 के माहिदे को, तो उसमें ये चीज़ें भी शामिल की जाएँ कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज जो है वो बंद करे, यानी जो लड़ाइयाँ ईरान ने शुरू की हुई हैं शाम में, लबनान में, यमन में, इराक में, इनको भी शामिल किया जाए, तब ये जो माहिदा है 2015 का इसको बहाल किया जाएगा। अब ये एक ऐसा है मामला कि ये होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अगर, क्योंकि इस सिलसिले में ईरान के जो ईरान की गवर्नमेंट है वो वाज़ेह तौर पे उसको ओन करती है कि जनाब हमारे जितने भी जहाँ भी हमारे मफादात हिट होंगे तो हम तो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, मलेशियाज़ के ज़रिए, प्राइवेट मलेशिया जो बनाई हुई हैं उनके ज़रिए हम अपने मफादात का तहफ़ करेंगे, खा वो ईरान हो, यमन हो और शाम हो, लबनान हो, जहाँ भी होगा। तो ये वो चीज़ें हैं। अब देखना यह है जनाब कि इस इजाफ़ी जो तजावीज़ हैं और इजाफ़ी शरायत हैं उनको ईरान मानता है या नहीं। जो इब्तदाई तौर पे रद्द अमल सामने आया है वो तो ये है जनाब कि ईरान ने कहा है कि एज़ इट इज़ जो माहिदा है 2015 वाला उस पे तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब इसमें कोई तरामीम की जाएंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। और ईरान ने उसी को ही कहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी जो बाइडन ने जो इशारा दिया था कि ईरान जौहरी माहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का वादा करता है तो वाशिंगटन में वापस आ जाएगा, तो जवाद ज़रीफ ने ये कहा है कि जनाब हम किसी भी किस्म की तरमीम नहीं करेंगे और उसको हम करते हैं मुस्तरद। अलबत्ता माहदे की बहाली के हवाले से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इस सिलसिले में क्योंकि पानी काफ़ी गुजर चुका है जनाब पुलों के नीचे से, मराकश, सूडान और मुत्तहिदा अरब अमारात कई ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और अब इन ममालिक का भी प्रेशर है इसराइल के ज़रिए भी और लाइक माइंडेड ममालिक के ज़रिए भी कि ईरान के साथ अगर माहिदा बहाल करना ही है तो फिर उसमें मज़ीद शरायत रखी जाएँ ताकि ये जो अरब ममालिक हैं इनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए। अलबत्ता जी इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान ने एक सपोर्ट हासिल की है अमरीका से और अमरीका ने उसकी दे दी है मंजूरी भी, और वो ये थी कि कोविड-19 उसकी वैक्सीन ख़रीदनी थी और ईरान ख़रीद नहीं पा रहा था, और उसने ये रिक्वेस्ट की क्योंकि मुख्तलिफ जब भी वो ये लेने की कोशिश करता था तो ईरान पे पाबंदियाँ होती थीं और ईरान अपनी पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था। तमाम बैंकों पर पाबंदी आई थी कि किसी किस्म का लेन देन नहीं करे, लेकिन अब यह खबर आई है कि अमेरिका ने इसकी इजाज़त दे दी है और लिहाजा कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो ख़रीदी जाएगी और ईरान ऑफिशियली इसकी पेमेंट कर सकेगा। इब्तदाई तौर पे ये 244 मिलियन डॉलर की ख़रीदेगा जनाब वैक्सीन ईरान। तो ये थी एक अच्छी खबर कि कोरोना की वजह से ईरान को ये एक रिलीफ मिला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।